नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पोर्टर के बारे में कि पोर्टर क्या है। अगर आप किसी एक लोकेशन या एक शहर से दूसरे लोकेशन या दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और आपका सामान अधिक है, आप उस सामान को नहीं ले जा सकते, तो इस केस में आप पोर्टर बुक कर सकते हैं। पोर्टर एक सर्विस है जिससे आपके सामान को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन या एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का काम करता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे पोर्टर बुक करके अपने सामान को एक लोकेशन या एक शहर से दूसरे लोकेशन या शहर तक बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ गया और अपने मोबाइल फ़ोन में मैं पोर्टर ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको पोर्टर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहिए, जैसा कि अकाउंट कैसे बनाना है, इनमें दिए गए ऑप्शन का क्या यूज़ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं पूरी डिटेल से जानकारी दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोर्टर को कैसे बुक करना है अगर आपका सामान एक शहर से या एक लोकेशन से दूसरे शहर या लोकेशन ले जाना है। तो यहाँ पे जैसा कि मेरे पास सामान कम है, तो मैं टू व्हीलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने टू व्हीलर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मेरा करेंट लोकेशन ऑटोमेटिक पिक कर लिया है और यहाँ पर वेयर इज़ योर ड्रॉप लोकेशन, तो यहाँ पे अब ये ड्रॉप लोकेशन का मतलब है आप अपने सामान को जहाँ भेजना चाहते हैं वो लोकेशन। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप लोकेशन फिल कर दिया और जैसे ही आप ड्रॉप लोकेशन फिल करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसा कि आप जो ड्रॉप लोकेशन फिल कर रखा है अब वहाँ पे जो सामान जाएगा यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी है, जैसा कि रिसीवर कौन होगा, हाउस नंबर क्या है, या फिर रिसीवर का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर यूज़ माई मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, आपका यहाँ पे नीचे नंबर शो कर देगा, आप इस पर मार्क कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका ये नंबर और नाम पिक कर लेगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करने हैं बुक करने के लिए। तो यहाँ कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने और भी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि मैंने टू व्हीलर चूज किया तो फिलहाल ये टू व्हीलर पर ही सिलेक्ट है और जो यहाँ पर इसका टोटल चार्ज दिखा रहा है अभी 93 रुपये दिखा रहा है। तो जो यहाँ पे इसका टोटल चार्ज दिखा रहा है, जो अमाउंट बन रहा है, बिल बन रहा है, यहाँ पे 93 रुपये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कई सारे यहाँ पे और गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि टू व्हीलर पे हमारा सामान नहीं आएगा, कुछ बड़ा बुक करना है जैसे कि ईको या फिर मैजिक, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसमें चूज कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे टाटा SCE है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसका रेट चेंज हो गया, अमाउंट आप देख सकते हैं 666 रुपये बिल बन रहा है। अगर आप हेल्पर चाहिए तो यहाँ पे एक इंक्लूड हेल्पर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो ड्राइवर होगा वही हेल्पर के रूप में आपकी मदद करेगा लोडिंग एंड अनलोडिंग में। तो मुझे फ़िलहाल हेल्पर नहीं चाहिए तो मैं इसको बैक करता हूँ। और बैक करने के बाद जैसा कि मैं टू व्हीलर पर क्लिक किया और टू व्हीलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया 93 रुपये। अब आपको क्या करने हैं, अब यहाँ पर कैश का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए और यहाँ पे कैश पेमेंट कर सकते हैं या फिर पेटीएम से। पेटीएम पे क्लिक करेंगे तो पेटीएम ओपन हो जाएगा। अगर आप पेटीएम से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कैश का ऑप्शन है, कैश पे क्लिक कीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका होगा क्या, जैसे ही आपका सामान वहाँ पे जाएगा तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पर वाउचर का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करके वाउचर अप्लाई करते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई कूपन हो तो यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आपको करना क्या, बुक टू व्हीलर पे क्लिक कर देना है बुकिंग के लिए। तो यहाँ बुक टू व्हीलर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 30 रुपये मेरे बच गए जैसा कि दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा बुकिंग चालू हो गया। अगर आपका प्लान है कैंसिल करने का, जैसा कि आप चाहते हैं कि जो मैंने अभी बुकिंग किया उसको कैंसिल कर दूँ, तो यहाँ ऊपर करेंगे और कैंसिल ट्रिप का ऑप्शन है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई रीज़न दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर रीज़न दिया चेंज माय माइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये वीडियो आपको बताने के पर्पज़ से बनाया था कि किस तरह से आप पोर्टर बुक कर सकते हैं और अपने सामान को पोर्टर सर्विस द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी मैंने जो बुकिंग किया था टुडे, यहाँ पर 2:55 PM दिखा रहा है और ये बुकिंग हमारा कैंसिल हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।